हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीमिंग फाल्कन। जो लोग नए हैं इस चैनल के लिए उनके लिए बताता हूँ, मैं हूँ अमय सरदेसाई, इस चैनल का होस्ट। मैं यहाँ जर्मनी में पिछले 4 महीने से रह रहा हूँ और यहाँ पे मेरे मास्टर्स की स्टडीज़ कर रहा हूँ, उसके साथ घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ। वैसे ही आज हम जाने वाले हैं रेंट्सबर्ग विलेज में, जो कि एक स्मॉल टाउन है जर्मनी, नॉर्दर्न जर्मनी में। रेंट्सबर्ग बसा है कील कनाल और आइडगर रिवर के बीच में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाउन है, हिस्टोरिकल टाउन है। तो चलिए देखते हैं कैसे टाउन है, एंड तक देखना वीडियो गाइस, एंजॉय करना। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. अभी हम पहुँचे हैं फ्लेंसबर्ग के हॉपबर्न ऑफ पे। यहाँ से हमें RE7 ट्रेन पकड़नी है, जो कि हमें जाती है हैम्बर्ग तक, पर हमें उतरना है रेंट्सबर्ग पे। तो 5 स्टॉप्स है यहाँ से, अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स लगेगा। तो चलिए देखते हैं। फ्लेंसबर्ग का हॉपबर्न ऑफ। हेलो, Danke schön. Happy Valentine's Day to you. तो ये चॉकलेट दे दिया है यहाँ पे। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे। तो यहाँ पे सब लोग वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ट्रेन ऑलरेडी आ चुकी है। ट्रेन अराउंड 9:15 को निकलने वाली है। कभी कभी लेट भी हो जाती है, तो पता नहीं, यहाँ भरोसा नहीं रहता है ट्रेन का, पर ये है। तो चलिए अभी अंदर चलता हूँ। गाइस, रेंट्सबर्ग पहुंच गए हैं अभी। ये है रेंट्सबर्ग का हॉपबर्न ऑफ मेन स्टेशन, और अभी यहाँ से हमें नीचे जाके बाहर निकलना पड़ेगा। तो रेंट्सबर्ग का जो टाउन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है ओल्ड टाउन और एक है जो न्यू स्टार्ट है, जो कि नया टाउन है। तो पहले ओल्ड स्टार्ट घूम लेंगे, वहाँ के जो साइट सीइंग के लिए प्लेसेस है वो देख लेते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे न्यू स्टार्ट। का टाउन सेंटर है। फिलहाल हम जा रहे हैं मरीना इन स्क्रेशर, जो कि यहाँ का मेन ओल्ड टाउन का बहुत बड़ा और मेन चर्च है। तो वहाँ पे जाने के लिए आप देख सकते हो कि ये टाउन सेंटर से जाना पड़ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है। अगर आप देख और गाइज, अभी मैं पहुंचा हूं यहां का फर्स्ट स्पॉट जो देखने के लिए है, जो कि है मरीना स्क्रिशा। आप पीछे मेरे देख सकते हो, ये यहां का एक बहुत ही पुराना चर्च है, ओल्ड टाउन। अराउंड 1500 से ये चर्च यहां पे ही है। इतना पुराना टाउन है और ओल्ड टाउन का फर्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट स्पॉट है। तो चलिए गाइज देख लेते हैं कि ये चर्च। Thank you.
तो ये था सेंट मरीन्स क्रिशर। तो इसके बारे में थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन बता दो कि क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है ये सिटी के लिए और इतना इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन क्यों है। तो सेंट मरीन्स क्रिशर अगर लिटरली इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो सेंट मैरीज चर्च करके जाना जाता है। और ये चर्च में अराउंड बहुत पुराना 1500s में बनाया हुआ चर्च है, कुछ बहुत ही ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे एक आपने देखा रहेगा वीडियो में ब्राउन कलर का बाउल है, तो ब्राउन कलर का जो बाउल है, एक बाप्टिज़म बाउल है, वो 1400s में बनाया हुआ है, इतना पुराना है। तो काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे। डॉक्टर मार्टिन लूथर जो है उन्होंने लिखा हुआ कुछ स्क्रिप्ट्स है, उसके पेजेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बुक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है, एग्जैक्टली सिटी के सेंटर में है और बहुत ही शांत एरिया है। आप अगर देखोगे कि आजू बाजू में वो कार्स वगैरह जो है ज़्यादा जाती नहीं है, बहुत शांत एरिया है। चर्च के अंदर आप जाओगे तो आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता, एकदम ही ज़्यादा शांत है। तो आप जब यहाँ आओगे तो ये ध्यान रखना कि जो सेंटर एरिया है जहाँ पे स्टेयर्स शुरू होते हैं और मेन ऊपर जाने के लिए जगह है जहाँ पे बहुत कुछ पुरानी चीज़ें लगाई हुई है, तो वहाँ आप ना जाए क्योंकि वहाँ सेंसर्स लगाए हुए हैं। जैसे ही कोई वो एरिया के अंदर चला जाता है तो अलार्म्स बज के पुलिस आ जाते हैं। तो प्लीज़ आपके सेफ्टी के लिए आप इतना ध्यान रखना कि ओपन चर्च है तो कहीं भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप कुछ रूल्स यहाँ पे रहेंगे, अगर कोई यहाँ दिखे ना तो थोड़ी दूरी ही बना के रखना ये सब चीज़ों से। पर अगर कोई यहाँ पे होगा तो आपको बता देगा ज़रूर कि यहाँ जाना अलाउड नहीं है क्योंकि पुलिस आ जाती है, सेफ़ नहीं है। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना। अंदर चर्च में मुझे कुछ वर्कर्स दिखे थे जो वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, तो आप भी ध्यान रखना। और ये था सेंट मैरीज क्रिशर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ अभी हम सेकेंड स्पॉट जो है यहाँ ओल्ड टाउन का वहाँ आ गए हैं। हम आए हैं अभी स्टार्ट पार्क में रेंट्सबर्ग के। स्टार्ट पार्क मतलब इंग्लिश में लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे तो वो है सिटी पार्क। तो यहाँ का सिटी पार्क बहुत फेमस है। यहाँ पे वाइस ब्रिज करके एक है जिसका इंग्लिश में अगर आप देखोगे ट्रांसलेशन तो वो होगा वाइट ब्रिज, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आज वेदर उतना सनी नहीं है पर सनी डेज में बहुत अच्छा दिखता है, तो वो भी आज देख लेंगे। तो चलिए घूमते हैं सिटी पार्क रेंट्सबर्ग का।
सिटी स्टार्ट के बहुत सारे स्कल्पचर में से एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कल्पचर है, ये है ईव का स्कल्पचर, जो आपको पता है एडम और ईव, तो ये ईव का स्कल्पचर है जिसके साथ उसके बच्चे हैं। अभी हम स्टार्ट पार्क के जो बहुत ही फेमस जगह है वहाँ पे पहुँच गए हैं, जो कि है वाइस ब्रुका, विच मीन्स वाइट ब्रिज। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है वाइस ब्रुका, जो इस सिटी पार्क का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। फ़िलहाल कोई है नहीं यहाँ पे, पर कहा जाता है कि जब सनसेट होता है और समर्स के टाइम पे, तो रिफ्लेक्शन के वजह से बहुत ही अच्छा दिखता है ये ब्रिज। आप देख सकते हैं अभी भी रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो चलिए ये ब्रिज देखते हैं। तो गाइस, ये था रेंट्सबर्ग का सिटी पार्क, और अब हम जाने वाले हैं परेड प्लाट्स पे। परेड प्लाट्स यहाँ का एक बहुत बड़ा स्क्वायर है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से बहुत, सिटी स्टार्ट से बहुत नज़दीक है, वॉकिंग आप 200 मीटर पकड़ लो, बहुत ही नज़दीक है। तो अभी हम जाएंगे परेड प्लाट्स पे, तो चलिए देखते हैं परेड प्लाट्स कैसा दिखता है। हम पहुंच गए हैं परेड प्लाट्स पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो खुली जगह है पूरा, ये परेड प्लाट्स है, बहुत ही बड़ा स्क्वायर है। मोस्टली कार पार्किंग के लिए होता है, पर क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे क्रिसमस मार्केट्स लगते हैं। तो अभी तो कार पार्क किए हुए है यहाँ पे, बहुत ही ओपन एरिया है। अगर आप पीछे देख सकते हो तो बहुत ही पुराने टाइम के बिल्डिंग्स भी आपको दिखेंगे, पुराने स्टाइल के, जर्मनी में जैसे होते थे उस प्रकार के। तो परेड प्लाट्स देखते हैं गाइस। काजा ब्रेड तो वो ले लिया है, और एक ले लिया है। दूसरी तरफ आ गया हूँ मैं, और मेरे पीछे है रिवर। अभी देखते हैं, थोड़ा रिवर के अलॉन्ग वॉक करेंगे। जब मैं आके मछली पकड़ी है, बहुत सही है।